हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए शुरू कर लेते हैं आज के इस सेशन को। दोस्तों आज के इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं झारखंड करंट अफेयर्स से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को, और इस सेशन में हम लोग देखेंगे झारखंड से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को, जिसे हम लोग पूरे व्याख्या के साथ देखने वाले हैं और रिलेटेड फैक्ट्स के साथ। इसके साथ ही वन लाइनर्स के फॉर्म में हम लोग कुछ पुराने प्रश्नों को रिवाइज कर लेंगे, और आपके लिए अभ्यास प्रश्न भी होगा एक, जो पुराने प्रश्नों में से एक होगा, जिसका जवाब आप कमेंट में कर सकते हैं। आपको पता चलेगा आप कितना याद रख पा रहे हैं, यानी कितना आप रिटेन कर पा रहे हैं करंट अफेयर्स को। तो आइए शुरुआत करते हैं इस सेशन को। एक और बात दोस्तों, आपको बता दें कि इसका PDF मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, और टेलीग्राम चैनल का लिंक अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में। तो आइए शुरुआत कर लेते हैं इस सेशन को, और सेशन की शुरुआत पिछले वीडियो के अभ्यास प्रश्न से। और यह अभ्यास प्रश्न था, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान कहाँ लॉन्च किया गया था? ऑप्शन ए धनबाद, ऑप्शन बी खूंटी, ऑप्शन सी रांची अथवा ऑप्शन डी दुमका। दोस्तों प्रधानमंत्री द्वारा यह महाअभियान यानी प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान लॉन्च किया गया था, और इसे लॉन्च किया गया था उलिहातू में यानी खूंटी जिले में। आइए इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि PM जनमन एक्चुअल में ये इंग्लिश वर्ड है, जिसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। इसे लॉन्च किया गया था 15 नवंबर 2023 को उलिहाती गांव में जनजाति गौरव दिवस के दिन, यानी 15 नवंबर 2023 के दिन ही। आपको बता दें प्रधानमंत्री द्वारा इसे लॉन्च किया गया था, और प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय अभियान योजना के साथ ही विकसित भारत संकल्प यात्रा को भी लॉन्च किया गया था 15 नवंबर 2023 को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। वहीं PM जनमन के बारे में दोस्तों हम लोग डिटेल में थोड़ा जान लेते हैं कि आखिर में इसका उद्देश्य क्या है, इसमें कितना खर्च आने वाला है, और कैसे PM जनमन योजना काम करने वाला है। अगर इसके उद्देश्य की बात करें तो दोस्तों PVDG यानी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स जो है, जो जनजाति हैं, उनके सामाजिक आर्थिक स्थितियों में कैसे सुधार किया जाए, यानी कैसे सुधारा जाए इन PVDGs के लाइफ को, उसके लिए ही इसे शुरू किया जा रहा है। अगर इसके कुल बजट की बात करें तो इसका जो आउटले होने वाला है परिवह, ये 24,104 करोड़ का है, जो केंद्र और राज्य मिलकर इसे खर्च करेंगे। और दोनों का अंश की अगर हम बात करें तो केंद्र द्वारा 15,336 करोड़ रुपया इस योजना के तहत खर्च किया जाएगा, जबकि राज्य झारखंड सरकार के द्वारा 8,768 करोड़ रुपये का आउटले रखा गया है। वहीं झारखंड और जो मंत्रालय है, अलग अलग मंत्रालय, आपको बता दें कि 9 विभिन्न मंत्रालय के माध्यम से ये योजना को लागू किया जाएगा। जैसे पक्के मकान बनाए जाएंगे PVDGs के लिए, संपर्क मार्गों को बढ़ाया जाएगा, नल जल आपूर्ति की व्यवस्था की जाएगी, छात्रावास का निर्माण किया जाएगा, वोकेशनल ट्रेनिंग और व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल के प्रावधान किए जाएंगे, आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण किया जाएगा, सड़कों में सौर प्रकाश की व्यवस्था की जाएगी, मोबाइल टावरों की स्थापना की जाएगी, और ऐसे ही बहुत सारे कार्य किए जाएंगे ताकि PVDGs पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप जो है झारखंड के, उनके सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार लाया जा सके। और ये अलग अलग मंत्रालय के द्वारा इसे पूरा किया जाना है। चलिए दोस्तों अब हम लोग कुछ नए प्रश्नों को भी देख लेते हैं। और सेशन में पहला प्रश्न है, झारखंड एक बेचैन राज्य का सुख पुस्तक के लेखक कौन है, जिसका विमोचन हाल ही में किया गया है? ऑप्शन है बसंत हेतम सरिया, ऑप्शन बी शिबू सोरेन, ऑप्शन सी CP राधाकृष्णन अथवा ऑप्शन डी श्याम किशोर चौबे। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है, यानी झारखंड एक बेचैन राज्य की कहानी के पुस्तक के लेखक हैं श्याम किशोर चौबे, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। आपको बता दें कि झारखंड एक बेचैन राज्य का सुख पुस्तक का विमोचन कुछ दिनों पहले किया गया, और झारखंड के अतीत से लेकर वर्तमान तक के जो झारखंड के हालात हैं उसकी व्याख्या इस पुस्तक में किया गया है। इसके लेखक हैं वरिष्ठ पत्रकार और लेखक श्याम
किशोर चौबे, और इस पुस्तक का विमोचन किया गया था रांची के प्रेस क्लब में। इस दौरान उपस्थित थे प्रसिद्ध पद्मश्री बलवीर दत्त, उद्घाटनकर्ता मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव जो कि वित्त मंत्री हैं वर्तमान में, इसके अलावा झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी भी इस अवसर पर यानी विमोचन के अवसर पर उपस्थित है। चलिए दोस्तों अब देखते हैं आज के दूसरे नंबर प्रश्न को, और आज का दूसरा नंबर प्रश्न है झारखंड साइकिल वितरण योजना के तहत सहायता राशि के रूप में लाभार्थी छात्रों को साइकिल खरीदने के लिए कितने रुपये दिए गए हैं। ऑप्शन ए 4,500 रुपये, ऑप्शन बी 5,500 रुपये, ऑप्शन सी 6,500 रुपये अथवा ऑप्शन डी 6,000 रुपये। दोस्तों साइकिल वितरण योजना के तहत लाभार्थी छात्रों को 4,500 रुपये उनके अकाउंट में भेजा गया है, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। आपको बता दें कि झारखंड में लगभग 4,90,000 स्कूली बच्चे को मिला है इस योजना के तहत साइकिल, यानी साइकिल वितरण योजना का लाभ इन बच्चों को मिला है जो अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय से संबंध रखते हैं। और सरकारी स्कूलों में अध्ययनरत बच्चियों को साइकिल खरीद हेतु 220 करोड़ रुपए से अधिक की राशि उनके बैंक खातों में DBT के माध्यम से भेजी गई, यानी प्रत्येक के बैंक अकाउंट में 4,500 रुपए साइकिल के लिए दिया गया। साइकिल वितरण योजना दोस्तों आपको बता दें पिछले 3 वर्षों से यह नहीं दिया जा रहा था, यानी 2020-21, 21-22 और 22-23 के लिए जो लाभार्थी छात्र हैं उन्हें इस योजना के तहत साइकिल वितरित किया जा रहा है, यानी साइकिल के लिए जो अमाउंट है उसे उनके डीबीटी के माध्यम से उनके अकाउंट में भेजा जा रहा है। इसके अलावा इस योजना के बारे में दोस्तों बता दें कि झारखंड साइकिल वितरण योजना क्या है। दोस्तों ये योजना 2003 में शुरू किया गया था और सरकारी स्कूल के कक्षा 8वीं में पढ़ने वाले बच्चों को यह दिया जाता है, और इसके लाभार्थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय से संबंध रखने वाले छात्रा हैं। वहीं सहायता राशि या लाभ की बात करें तो इस योजना के तहत लाभार्थी छात्रों को साइकिल खरीदने के लिए 4,500 रुपये उनके बैंक अकाउंट में भेजा जाता है। इस योजना के उद्देश्य की बात करें तो दोस्तों विद्यार्थियों को शिक्षा हेतु प्रोत्साहित करना इस योजना का उद्देश्य है, इसके अलावा ड्रॉपआउट रेट कम करना और शिक्षा दर को बढ़ाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। चलिए दोस्तों आप देखते हैं आज के दूसरे यानी तीसरे नंबर प्रश्न को, और आज का तीसरा नंबर प्रश्न है झारखंड ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड के गठन की मंजूरी के बाद इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया है। ऑप्शन ए राज्यपाल, ऑप्शन बी पुलिस महानिदेशक, ऑप्शन सी मुख्य सचिव अथवा ऑप्शन डी मुख्यमंत्री। दोस्तों झारखंड ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड का गठन किया गया है और इसके जो अध्यक्ष होंगे वो झारखंड के मुख्य सचिव होंगे, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। झारखंड में ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड यानी ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड के गठन को मंजूरी दी गई है, और आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका नेशनल लीगल सर्विस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य में दिनांक 1 अप्रैल 2014 को पारित आदेश के अनुपालन के लिए इस बोर्ड का गठन किया गया है। वहीं राज्य में ट्रांसजेंडर समुदाय के समस्याओं का अध्ययन करना, उसके निराकरण के लिए विशिष्ट नीति निर्धारण करना, कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन, निगरानी और देखरेख के निमित्त झारखंड ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड के स्थापना को या कह सकते हैं कि गठन को मंजूरी दी गई है झारखंड सरकार के द्वारा। इसके अध्यक्ष होंगे झारखंड के मुख्य सचिव और सदस्य के रूप में होंगे DGP। इसके अलावा अन्य विभाग के जो प्रमुख अधिकारी हैं वे भी इसके सदस्य होंगे। वहीं इसका जो गठन किया जाएगा इसके नोडल डिपार्टमेंट है दोस्तों इसका महिला बाल विकास विभाग। और ट्रांसजेंडर समाज कल्याण बोर्ड के गठन के अगर उद्देश्य की बात करें तो ट्रांसजेंडर समुदाय के व्यक्तियों को प्राप्त जो संवैधानिक अधिकार है, यानी ट्रांसजेंडर्स के जो संवैधानिक अधिकार हैं एवं उनके हितों की रक्षा करने के लिए इसका गठन किया गया है, और उन्हें सरकार के द्वारा बनाई गई योजनाओं का लाभ पहुँचाने के लिए नीति निर्धारण करने के लिए भी इसका गठन किया जा रहा है, और समाज की मुख्य धारा से वे जुड़ सके और उन्हें रोजगार पर प्रशिक्षण दिया जा सके, इसका यह भी इसके उद्देश्यों में एक है। वहीं राज्य विधिक सेवा प्राधिकार यानी स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के कोऑर्डिनेशन के साथ संवैधानिक अधिकार ट्रांसजेंडर
को मिल सके, उनकी संवैधानिक रक्षा हो सके, यह भी इनके उद्देश्यों में शामिल है। इसके अलावा एक और उद्देश्य की बात करें कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के साथ कार्यस्थल एवं सार्वजनिक स्थल पर हो रहे हिंसा और साथ में शोषण को रोकने के कार्य के उद्देश्य से भी इसका गठन किया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 में झारखंड का रैंक क्या रहा है, 25वां, 26वां, 27वां या 28वां। दोस्तों, कुछ दिनों पहले SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 रिलीज किया गया, इसके तहत झारखंड का रैंक रहा है 27वां। आपको बता दें कि नीति आयोग के ओर से जो विकास सूचकांक 2023-24 जारी किया गया, जिसे SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 कहते हैं, इसके आंकड़े जारी कर दिए गए हैं। इस इंडेक्स से सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय जो स्टैंडर्ड है, मानक है, उनके प्रगति का मूल्यांकन किया जाता है। और इस सूचकांक की बात करें तो झारखंड को 62 अंक मिला और रहा रैंक 27वां, यानी 28वें से एक कम, और 28वां सबसे अंतिम रैंक रहा अगर हम स्टेट की बात करें तो बिहार का। इसके अलावा उत्तराखंड और केरल की बात करें तो संयुक्त रूप से 79 अंक के साथ यह शीर्ष पर रहा, यानी प्रथम स्थान पर रहा है उत्तराखंड और केरल। वहीं 27 अंकों के साथ बिहार की रैंकिंग में सबसे निचले स्थान पर जगह दी गई है, यानी 28वें स्थान पर बिहार है। वहीं झारखंड 27वें स्थान पर इस बार SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 के रैंकिंग में रैंक किया गया है। प्रश्न नंबर 5 है दोस्तों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा गणतंत्र दिवस 2024 के अवसर पर झारखंड पुलिस के कितने अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया गया, ऑप्शन ए 33, ऑप्शन बी 36, ऑप्शन सी 38 अथवा ऑप्शन डी 46। दोस्तों, 2024 गणतंत्र दिवस के अवसर पर झारखंड पुलिस के अधिकारी और कर्मचारियों की संख्या थी 36, जिन्हें राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित किया गया है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा गणतंत्र दिवस 2024 के अवसर पर झारखंड पुलिस के 36 अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। इसमें IPS AB होमकर और ऋषभ झा भी शामिल हैं। इन सभी को विभिन्न श्रेणियों में पदक से सम्मानित किया गया। झारखंड पुलिस को 23 वीरता पदक, विशिष्ट सेवा के लिए 1 राष्ट्रपति पदक और सराहनीय सेवा के लिए 12 पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। इस तरह कुल 36 अधिकारियों को सम्मानित किया गया है गणतंत्र दिवस के अवसर पर। दोस्तों, चलिए अब बारी है अब वन लाइनर्स के फॉर्म में कुछ प्रश्नों को रिवाइज करने की, और इसके तहत आज का जो पहला प्रश्न है वह है, इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट यानी ISFR, जिसे भारत वन स्थिति रिपोर्ट कहते हैं, जो 2021 की रिपोर्ट है, उसके अनुसार झारखंड का कुल वन क्षेत्र फॉरेस्ट एरिया का वर्ग किलोमीटर कितना है, यानी कितना वर्ग किलोमीटर है फॉरेस्ट एरिया झारखंड में। अगर दोस्तों एरिया की बात करें तो कुल 27,721.4 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है वन का। वहीं अगर प्रतिशत में, परसेंटेज में बात कर ले तो झारखंड के कुल क्षेत्रफल का 29.76% है। वहीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट, मतलब इसी रिपोर्ट में अगर हम बात करें तो 2019 से 21 के बीच झारखंड में कितने वर्ग किलोमीटर वन में, वन क्षेत्र में वृद्धि की गई है, तो दोस्तों 110 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है 2019 के मुकाबले में 2021 में झारखंड में। झारखंड में चिन्हित वन भूमि यानी मार्क फॉरेस्ट लैंड वो कितना वर्ग किलोमीटर है, तो यह है दोस्तों 22,390 स्क्वायर किलोमीटर। और आज का नेक्स्ट प्रश्न है रिवीजन के तौर पर, झारखंड के गुमला जिले के किस गांव के उत्पाद यानी प्रोडक्ट को GI टैग दिलाने की पहल की गई है, यह है दोस्तों जरजट्टा गांव रायडी प्रखंड में है, यह गुमला जिले में है, जहां के मांदर को GI टैग दिलाने की पहल की गई है। नेक्स्ट प्रश्न जो दोस्तों इसी से जुड़ा है, झारखंड के गुमला जिले के किस प्रोडक्ट को GI टैग दिलाने की पहल उपायुक्त सुशांत गौरव ने शुरू किया है, इसका उत्तर है दोस्तों मांदर। आपको बता दें ये मांदर है जो जरजट्टा गांव का एक पहचान है, जो रायडी प्रखंड गुमला में है, इसे तत्कालीन उपायुक्त सुशांत गौरव द्वारा शुरू किया गया था, यानी इसे GI टैग दिलाने के लिए अप्लाई किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम
एवं झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत योजना के सभी लाभुक परिवारों को प्रति परिवार एक किलो चना दाल प्रतिमाह किस दर से दिए जाने की मंजूरी कैबिनेट द्वारा दी गई है। यह है दोस्तों, एक केजी चना दाल प्रतिमाह एक रुपए की दर से दिया जाएगा। झारखंड के किस मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के किस नेता की हत्या कर दी गई जिसके बाद झारखंड में हड़कंप मचा था? उत्तर है दोस्तों, सुभाष मुंडा। एसी नेल्सन द्वारा कराए गए सर्वे के अनुसार झारखंड के किस शहर के लोगों का क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रदेश में सबसे बेहतर आंका गया है? इसका उत्तर है जमशेदपुर, जो पूर्वी सिंहभूम का एक प्रसिद्ध शहर है। झारखंड में कितने एकड़ जमीन पर हरित ग्राम योजना चलाई जा रही है? दोस्तों, झारखंड के 50,000 एकड़ में हरित ग्राम योजना चलाई जा रही है। मुख्यमंत्री जन वन योजना के तहत पेड़ लगाने के लिए झारखंड सरकार द्वारा कितना प्रतिशत सब्सिडी दी जा रही है? दोस्तों, यह है 75%। शहरी इलाकों के निजी परिसरों में एक पेड़ लगाने और उसकी रक्षा करने पर झारखंड सरकार द्वारा कितने यूनिट बिजली मुहैया कराई जाएगी? दोस्तों, इसकी घोषणा भी कर दी गई है, अब 5 यूनिट मुहैया कराई जाएगी एक पेड़ लगाने पर। अब दोस्तों, बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की, और आपके लिए है ये अभ्यास प्रश्न। और आज का अभ्यास प्रश्न है, झारखंड आंदोलनकारियों के आश्रितों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण दिए जाने संबंधी विधेयक को विधानसभा में मंजूरी मिल गई है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए 2%, ऑप्शन बी 5%, ऑप्शन सी 7.5%, अथवा ऑप्शन डी 12%। यह था दोस्तों आज का अभ्यास प्रश्न। उम्मीद करता हूँ पूरा सेशन आपको पसंद आया होगा, और आज का अभ्यास प्रश्न का जवाब आप जरूर कमेंट में करके बताएंगे। यह था दोस्तों सेशन आज का, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक जुड़े रहिए और देखते रहिए झारखंड अपडेट। धन्यवाद दोस्तों।